आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम प्लेन ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ इट्स हाइपोटेन्यूस 7 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्केल की मदद से एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम लोग नाम देंगे लाइन ए बी। उसके बाद हमें लाइन ए बी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो उसके लिए हम लोग कंपास का पॉइंट ए पे रखेंगे, बी तक का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और ए को सेंटर रख के ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क बना के लेंगे। सेम रेडियस और टेक्निक से कंपास का पॉइंट बी पे रखिए और ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क बना के ले लीजिए। बाद में स्केल की मदद से उन दोनों आर्क को अच्छे से जोड़ के ले लीजिए। बाद में लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर की वजह से जो नया पॉइंट आया है उस नए पॉइंट को नाम दे दीजिए पॉइंट एम। बाद में कंपास का पॉइंट एम पे रख के ए तक का पूरा डिस्टेंस लेके लाइन ए बी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए। उसके बाद प्रोटेक्टर का पॉइंट ए पे रखिए और राइट साइड से काउंटिंग करते करते 40 डिग्री पे एक टिक कीजिए। बाद में उस छोटे से पॉइंट को ए पॉइंट से स्केल की मदद से अच्छे से जोड़ के ले लीजिए और एक लाइन बनाने के बाद ये लाइन सेमी सर्कल पे जिधर टच करेगी वो पॉइंट पॉइंट बी से स्केल की मदद से जोड़ के ले लीजिए। उसके बाद हम लोग उस छोटे से पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट सी। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।